सो तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई थिंक बढ़िया होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अल्तमस, आप देख रहे हैं गेमिंग अल्ट्रा यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टॉप 5 मैजिक क्यूब अपडेटेड बंडल, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि हमें 1 नवंबर से लेके कुछ 10 नवंबर तक देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से बंडल देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि सबसे पहले आपको यहां पे आ जाना है। यहां पे देख सकते हैं कुछ अपडेटेड दिखा रहे हैं 13 नवंबर के। तो यहां पे मैजिक क्यूब स्टोर बंडल में आप लोगों को देखने को मिल सकता है ये सारे बंडल। और यहाँ पे कुछ बंडल रिमूव भी किए जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो पहले यहाँ पे हम इसमें से कुछ 5 ऐसे बंडल आप लोगों को बताऊंगा जो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको उस बंडल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलने को देखेगा। और बिना बकवास किए हम फटाफट से वीडियो के आगे की तरफ बढ़ के वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं हम नंबर 5 की तरफ। तो नंबर 5 पे जो ये बंडल आता है उसका नाम है हमारा नेट क्रैकर बंडल। ये नेट क्रैकर बंडल आप लोग जानते होंगे कि ये बंडल कितना ज़्यादा ही रेयर था उस समय में जबकि ये डायमंड रॉयल में निकलता था। लेकिन अब इसे कोई ले नहीं सकता है क्योंकि ये अब डायमंड रॉयल से हट चुका है। और उसके बाद आप लोग को अगर ये लेना है तो ये आप मैजिक क्यूब से ले सकते हैं। और ये नेट क्रैकर बंडल आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बढ़ते हैं हम नंबर 4 की तरफ। गाइज, नंबर 4 पे जो बंडल आता है उसका नाम है मूनलाइट बेलाइट बंडल, क्योंकि ये गाइज ये एक गर्ल बंडल है। और अगर आप गर्ल लेके खेलते हो तो आपके लिए ये काफ़ी रेयर बंडल होगा। और गाइज, अगर आप लोग मेरी बात मानो तो मैं कहता हूँ कि ये बंडल मत लेना, क्योंकि गाइज आप लोग गर्ल लेके अगर खेलते हो तो ये काफ़ी आपको न्यूब साबित कर सकता है, क्योंकि गाइज गर्ल का इतना अच्छा मूवमेंट होता नहीं है। इसीलिए गाइज मैं बता रहा हूँ ये बंडल मत लेना। और बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। और गाइज, जो नंबर 3 पे जो बंडल आता है उसका नाम है एनचेंटेड फेबल बंडल। गाइज ये बंडल जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है और काफ़ी रेयर भी दिखता है, क्योंकि इसके ऊपर ये जो इसका एक हेड लगा हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा ही रेयर है। और गाइज आप लोग ये अगर बंडल लेना है तो आप लोग ये बंडल ले सकते हो। मैं तो कहूँगा कि आप लोग ये वाला बंडल ले लेना ज़रूर से, क्योंकि इसका काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो गाइज और पढ़ते हैं हम नंबर 2 की तरफ। और गाइस, नंबर 2 पे जो बंडल आता है उसने तो पूरी की पूरी फ्री फायर कम्युनिटी को हिला के ही रख दिया। मतलब मानो ये तो पूरे बंडल का बादशाह ही हो। जैसे कि इसका नाम है आप लोगों को द जिराफ्रीटो मेरिनो बंडल, जो कि काफ़ी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर भी लेके खेलते होंगे। आप लोगों ने देखा होगा बसीर भाई काफ़ी सारे वीडियो में ये वाला बंडल उनका फेवरेट बंडल है, और इससे बहुत सारे लोग बसीर भाई बंडल से भी जानते हैं। तो गाइस मैं तो कहता हूँ कि आप लोग यही वाला बंडल लेना। और गाइस आप लोगों को ये बंडल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। और गाइस, जो नंबर 1 पे आता है बंडल वो कि काफ़ी पुराना बंडल है, और फ्री फायर के सबसे पुराने बंडल के होने के कारण ये काफ़ी रेयर भी है। और ये बहुत ज़्यादा ही साल के बाद वापस आ रहा है हमारे फ्री फायर गेम में। तो इसका नाम है सिल्वर समुराई बंडल। गाइस ये बंडल आप लोगों को सबसे पहले लाइन में देखने को मिल रहा होगा। तो गाइस ये बंडल काफ़ी ज़्यादा ही रेयर है, इसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। गाइस ये बंडल जो कि समुराई से रिलेटेड है, तो सोचो गाइस ये कितना ही ज़्यादा रेयर बंडल होगा। तो आप लोग ये बंडल भी ले सकते हैं। तो आप लोगों को गाइस ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं हम, बाय बाय।